पिंक सिटी को सिग्नल फ्री करने के प्रयास फेल। जयपुर में हर चौराहे पर लग रहा जाम। दो दो लाइटों का करना पड़ता है इंतजार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार पिछले कई साल से जवाहरलाल नेहरू मार्ग और टोंक रोड समेत पूरे जयपुर को सिग्नल फ्री बनाने के प्रयास कर रही है, लेकिन पिछले 4-5 साल में जेलन मार्ग और टोंक रोड तो क्या जयपुर में कहीं भी सिग्नल फ्री नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि जेलन मार्ग में स्थित ओटीएस चौराहा, जेडीए चौराहा, मोती डूंगरी गणेश चौराहा और शहीद स्मार्क चौराहे तो ऐसे हैं जहाँ वाहन चालकों को काफ़ी समय तक रुकना पड़ता है। एक बार की लाइट में निकलना तो किसी के लिए संभव ही नहीं है, दो दो लाइटों का इंतजार करना पड़ता है। ओटीएस चौराहे पर तो वृद्धाश्रम तक वाहनों की कतारें लग जाती है। सब मर्ज की एक ही दवा। इंजीनियर्स कंपनी के बजाय आर्किटेक्ट के हाथों में है काम। आर्किटेक्ट भी यूडीएच मंत्री का चहेता। दरअसल नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री की मेहरबानी से जयपुर को सिग्नल फ्री करने का प्रोजेक्ट इंजीनियर्स कंपनी की बजाय आर्किटेक्ट के हाथों में सौंपा हुआ है। आर्किटेक्ट भी स्वयं भू जो मीडिया में खुले प्रोजेक्ट टेंडर होने से पहले ही खुले तौर पर बयान देते हैं कि सरकार ने उक्त प्रोजेक्ट करने के लिए उन्हें अधिकृत किया है। कोटा, पुष्कर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर में मंत्री शांति धारीवाल की घोषणा, आरटीडीएस अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के साथ इनकी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही बैठकें, समाचार पत्रों में इनके प्रकाशित इंटरव्यू और ना जाने क्या क्या। सिंडिकेट बैंक लोन घोटाले का आरोपी आर्किटेक्ट। टेंडर प्रक्रिया सिर्फ खानापूर्ति बनी। कोटा के रिवर फ्रंट आईपीडी टावर का काम भी सौंपा। रोचक तथ्य यह है कि सिंडिकेट बैंक लोन घोटाले में कोर्ट से जमानत पर चल रहे इन आर्किटेक्ट को सरकार एक के बाद एक प्रोजेक्ट थमाए जा रही है। रसूखात ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर खासा अनुभव रखने वाली एलएनटी जैसी बड़ी कंपनियों भी टेंडरों में इनके आगे मात खा रही है। अगर कोई कंपनी सफल होती है तो फिर एक राज्य स्तरीय काम दिलवाने के लिए धारीवाल जी ने अलग से बना रखी है। कुल मिला के रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। चलो टेंडरों की बात तो छोड़िए, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया तो अब केवल कागजी खाना पूर्ति रह गई है। अब तो जितना बड़ा काम उतना बड़ा दाम, फिर तुरंत फरमान। चाहे कोटा के हाल ही में हुए रिवर फ्रंट का 1000 करोड़ रुपए का सिंगल टेंडर हो, जयपुर में बन रहे देश के सबसे बड़े ऊंचे आईपीडी टावर की कंसल्टेंसी इन्हीं स्वयंभू आर्किटेक्ट को सौंपी हुई है। इन्हें कंसल्टेंट किस प्रक्रिया में चुना गया, इसके लिए टेंडर भी हुए अथवा नहीं, इसकी जानकारी खुद जेडीए के पास भी उपलब्ध नहीं है। जयपुर से खास खबर .com की रिपोर्ट।